लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ज्यादातर एग्जिट पोल इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मोदी सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है। तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल में यह साफ नजर आ रहा है कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने वाले हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के एग्जिट पोल के मुताबिक 358 के आसपास सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया को 145 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल को लेकर जहां बीजेपी में भारी उत्साह है, वहीं इंडिया ब्लॉक में मायूसी के बाद भी नतीजे अपने पक्ष में आने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एग्जिट पोल पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी एग्जिट पोल को संदेह की नजर से देख रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। Well, we're seeing it with skepticism and disbelief because we have also been campaigning throughout the country. We also have a sense of what the pulse of the people is, and we don't believe it is reflected accurately in these polls. You know that our Congress president yesterday, after meeting with all the India Alliance members, has said that he is convinced we are getting about 295 for the Alliance. I'd stick to that number. I mean, the fact is that the exit polls are based apparently on some sort of sampling, which I don't believe is terribly scientific. And certainly, if any exit poll can say that BJP will win up to 7 seats in Kerala, either they are suffering heat stroke or they don't understand Kerala. Some of these exit polls are also laughable for other reasons. They will say that there are 5 seats in a particular state, but BJP is going to win 6. That kind of thing we have seen on these exit polls. I don't think we should take them seriously. Honestly, it's a peculiar exercise that we conduct just 3 days before the real results. Now, people in my constituency have voted on the 26th of April. They have been waiting patiently for 5 weeks. They can wait 2 days more to get the real results rather than be misled by all this exit poll stuff. शशि थरूर ने 4 जून को आने वाले नतीजों में एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत का दावा किया है। थरूर ने यह भी कहा है कि यदि हम हार भी जाते हैं तो हमारा प्रदर्शन 2019 से बेहतर रहने वाला है। थरूर का यह भी कहना है कि एग्जिट पोल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और इसका जमीन पर जनता की प्रतिक्रियाओं से कोई संबंध नहीं है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को इस बार 295 सीटें मिलेंगी। थरूर ने केरल के तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर मुकाबले को त्रिकोणीय बताया है और कहा है कि उन्हें जीत का पूरा भरोसा है। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर का मुकाबला बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और सीपीआई उम्मीदवार पन्नयन रविंद्रन से हो रहा है। उन्हें इस सीट पर कड़ी चुनौती मिल रही है। 4 जून को यह साफ पता चल जाएगा कि शशि थरूर और इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं के दावे में कितना दम था। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।